मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम और आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जिस परंपरा की नुमाइंदगी करता हूं उसके सबसे बड़े स्तंभ संतोष जी बैठे हुए हैं, आदरणीय संतोष आनंद जी, चकदर सर, उनको बचपन से देखते थे और मेरे सभी साथी। और मैं दिल्ली में 1996 से 1998 तक था, मैं यहाँ वकालत और पत्रकारिता करता था, तो मुझे दिल्ली में इस तरीके का माहौल कभी मिला नहीं पढ़ने का तब। और अब मैं मुंबई में रहता हूँ तो वहाँ लोग मुझे फिल्मों की वजह से जानते हैं, लेकिन जिससे मेरी शुरुआत हुई, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में रहा हूँ और छोटी छोटी नशिस्तों के बीच में। तो जब हम फिल्मी प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ बहुत ग्लैमर होता है, बहुत बड़ा स्टेज होता है, 160 फीट चौड़ा स्टेज होता है और बहुत आर्क लाइट्स होती है जिसमें सामने के लोग दिखाई नहीं देते। जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं, हम जब पलटते हैं तो सामने कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ लाइटें होती हैं, उन्हें हम वो हमें देख सकते हैं, लेकिन वहाँ वो मज़ा नहीं आता। यहाँ हम आप एक दूसरे की आँखों में आँख डाल के बात कर रहे हैं, आपकी हर ताली में सुन पा रहा हूँ और मुझे लगता है मेरी बात भी आप तक जा रही है, तो इसका जो मज़ा है वो एक अलग ही मज़ा है। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कुछ सुना सकूँ कि कसम से सच है लेकिन अब तलक दुनिया नहीं मानी, कसम से सच है लेकिन अब तलक दुनिया नहीं मानी, तुम्हारी आंख से निकला हमारी आंख का पानी। कसम से सच है लेकिन अब तलक दुनिया नहीं मानी, तुम्हारी आंख से निकला हमारी आंख का पानी। और एक शेर और पढ़ता हूँ इसी बात को थोड़ा और क्लियर करते हुए, कि उसे इंसान को इंसान से लड़ाना था, उसे इंसान को इंसान से लड़ाना था, हिंदू मुस्लिम तो बस एक बहाना था। उसे इंसान को इंसान से लड़ाना था, हिंदू मुस्लिम तो बस एक बहाना था। और एक नई गज़ल लिखी है मैंने यहाँ के लिए, पहली बार पढ़ रहा हूँ उसको, आपका आशीर्वाद चाहिए। कि मेरे टूटन की हद को यार तुम ना पा सकोगे, मेरे टूटन की हद को यार तुम ना पा सकोगे, बड़ी है इंतहा मेरी कि तुम ना जा सकोगे। मेरे टूटन की हद को यार तुम ना पा सकोगे, बड़ी है इंतहा मेरी कि तुम ना जा सकोगे। यहाँ तुम अमृत पीने की ही कोशिश में लगे हो, यहाँ तुम अमृत पीने की ही कोशिश में लगे हो, जहर में भी मज़ा है मगर ये तुम ना खा सकोगे। जहर में भी मज़ा है पर ये तुम ना खा सकोगे, ये सच भी ऐसे मेरे मुँह को आकर के लगा है, ये सच भी ऐसे मेरे मुंह को आकर के लगा है, मेरी झूठी कसम भी यार तुम ना खा सकोगे, मेरी झूठी कसम भी यार तुम ना खा सकोगे। ये मेरा चांद है जिस पे तुम्हें मैंने बिठाया है, ये मेरा चांद है जिस पे तुम्हें मैंने बिठाया है, मगर तुम मेरे सूरज तक कभी ना जा सकोगे, मगर तुम मेरे सूरज तक कभी ना जा सकोगे। और मोहब्बत की है तो फिर क्या वफा क्या बेवफाई, मोहब्बत की है तो फिर क्या वफा क्या बेवफाई, मेरे उल्फत के रास्ते तुम कभी ना पा सकोगे, मेरे टूटन की हद को यार तुम ना पा सकोगे, बड़ी है इंतहा मेरी कि तुम ना जा सकोगे। और दो तीन शेर और पढ़ता हूँ कि जब जंगल काटे जाते हैं, जब जंगल काटे जाते हैं तब वो शहर को ही आते हैं, जब जंगल काटे जाते हैं तब वो शहर को ही आते हैं, चंदन सी खुशबू है उनकी सांप गले में लटकाते हैं, चंदन सी खुशबू है उनकी सांप गले में लटकाते हैं, तुम चाहो तो बन भी जाना उन्हें खिलौने ही भाते हैं, तुम चाहो तो बन भी जाना उन्हें खिलौने ही भाते हैं, और सोकर तुम ना जाग सकोगे ऐसे सपने दिखलाते हैं, सोकर तुम ना जाग सकोगे ऐसे सपने दिखलाते हैं, उनके फेर में मत पड़ जाना सारे हुनर उन्हें आते हैं, जब जंगल काटे जाते हैं तब वो शहर को ही आते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, दो तीन शेर और कहता हूँ कि यूँ कितने बेजान ये पत्थर, यूँ कितने बेजान ये पत्थर लेकिन अब इंसान ये पत्थर, यूँ कितने बेजान ये पत्थर लेकिन अब इंसान ये पत्थर, मोम सा गलने की कोशिश में
रहते हैं हल्कान ये पत्थर, मोम सा गलने की कोशिश में रहते हैं हल्कान ये पत्थर, और टकराकर शीशा ना तोड़ें क्या इतने नादान ये पत्थर, टकराकर शीशा ना तोड़ें क्या इतने नादान ये पत्थर, यूँ कितने बेजान ये पत्थर लेकिन अब इंसान ये पत्थर। एक कविता, अगर रात हो गई है ज़्यादा, काफ़ी आप लोग भी थके हुए हैं, कहें तो मैं पढ़ता हूँ कि हुआ हादसा था एक ऐसा, हुआ हादसा था एक ऐसा जिसको अब तक भूल ना पाया, जितना ज़्यादा भूलना चाहा उतना मुझको याद वो आया। जीवन का अटूट हिस्सा है मेरी शादी का किस्सा है, एक कवि की शादी का किस्सा है कि जीवन का अटूट हिस्सा है मेरी शादी का किस्सा है, उम्र हो गई जब 30 के पार घबराया सारा परिवार, उम्र हो गई जब 30 के पार घबराया सारा परिवार, एक ही लड़का और बिन ब्याह, बिन ब्याहे और कुंवारे में थोड़ा फर्क होता है, तो एक ही लड़का और बिन ब्याह, मैरिज ब्यूरो फोन लगाया, ब्यूरो वालों ने दागा सवाल, क्या करता है आपका नौनिहाल, संकोच से घर वाले बोले कवि है हमारा बेटा, वैसे वकालत पास है, सामने से जवाब आया एकदम बकवास है। अरे सिर्फ वकालत कर लेता तो मामला आसान हो जाता, जल्दी से रिश्ता फिट करवाता अपनी कमीशन पाता, इस कवि और कविता से बड़ी मुश्किल है, आखिर लड़की वालों की भी दिल है, वो दामाद चाहते हैं ऐसा जो खूब कमाए पैसा, आपका बेटा कितना कमा लेता है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कितना जमा लेता है, घर वाले हिम्मत करके बोले लड़की को इज्जत से रोटी कपड़ा दे सकता है, मैरिज वाला ब्यूरो वाला बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, इज्जत के बिना तो घर का कुत्ता भी रोटी नहीं खाता, मुझे तो आपके बेटे का रिश्ता बहुत मुश्किल लगता है, उससे पूछ के देखिए वो कविता छोड़ सकता है, मेरे पिताजी बोले हमारा बेटा बड़ा ज़िद्दी है, वो प्राण त्याग सकता है पर कविता नहीं छोड़ सकता, तब ब्यूरो वाला बोला आपका बेटा तो पूरी तरह से कवि है, केस थोड़ा सीरियस है, तब पिताजी घबरा कर बोले तो क्या मेरे बेटे की शादी नहीं होगी, वो बोला थोड़ा धीरज रखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कोई मजबूरी का मारा बाप आएगा तो रिश्ता फॉरवर्ड कर दूंगा पर कमीशन दुगना लूंगा, आप भी थोड़ा सा झूठ बोल दीजिएगा, कुछ भी कह दीजिएगा पर ये कवि और कविता वाली बात दबा लीजिएगा। घर वाले संकोच में थे, शादी ब्याह में झूठ आखिर जीवन का सवाल है, ब्यूरो वाला बोला तभी तो समझा रहा हूँ जीवन का सवाल है, कवि की शादी कराना जी का जंजाल है, आगे चलकर उसकी बात सच निकली, जिसको भी सच बताया वही फैमिली हमसे बच निकली, फिर ज़रा सी बात छुपाई कुछ दिनों में हो गई सगाई, शादी हुई तो सच खुला ससुराल वालों को पता चला, धमकी मिली पैसे बनाओ वरना हमारी बेटी लौटाओ, मामला हो गया सीरियस, खो गया सब जीनियस वीनियस, हम भी लग गए कमाने में, आज तक कमा रहे हैं माल भी जमा रहे हैं और अब हम ससुराल वालों के सबसे प्रिय जवाई हैं, हाँ कुछ और हुआ हो ना हो हमने कविता और कवि की किताब अपने हाथों से जलाई है, हमने कवि और कविता की किताब अपने हाथों से जलाई है। धन्यवाद।